लव शर्मा, सोनम परमार, बाबर बॉब 46, वालेकुम अस्सलाम, श्वेता शारदा, क्यूटी, हाय क्यूटी, कहाँ गायब हो गए तू? रोशन गुप्ता 350, शार्ली वालेकुम अस्सलाम, सैफ दरबार गेस्ट बॉय, थैंक यू क्यूट बॉय, फैस सैफी तंजील गरम वालेकुम अस्सलाम, वेरी नाइस हैशटैग शादी, थैंक यू तौफीक अल्फालम, रोजा से है भाई, यस रोजा से, वर्ल्ड बेस्ट हीरो, थैंक यू सो मच जैन दरबार, वेयर आर यू एंड हाउ आर यू? रोजा होगी नहीं, मैं आपका बिग फैन बोल रहा हूँ, ज्वाइन कर लूँ थोड़ा, मैं बात कर लूँ फिर आप इसे लो, आपको भी ज्वाइन कर लूँ, ऐड होने वाला हूँ मैं भी, रेडी अच्छा रेडी हो क्या, ऐड करूँ तुमको? ब्लड डोनेशन करने के लिए थैंक यू ब्रो, 96915, यू मोस्ट वेलकम ब्रो, और ये सभी का, हम सबका फर्ज है, जो भी फिट है और हेल्दी है, आप लोग सबको इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, अगर आप कमज़ोर हो, आप स्ट्रांग हो, अगर आपको ब्लड डोनेट करने से किसी की हेल्प होती है तो आपको भी करना चाहिए। पास्टर वालेकुम अस्सलाम, श्वेता शारदा क्या हुआ? हाँ रेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा बढ़ गया, गाल नहीं बढ़ा, दाढ़ी बढ़ गई है। अरे माशाल्लाह, थोड़ा उतर गई है अभी तो, रमजान का टाइम है तो थोड़ा बहुत तो हो गया ही, होएगा कुछ, अच्छी लग रही है माशाल्लाह बॉडी तो, सर वेरी नाइस हेयर स्टाइल है ना, कमजोर हो गए, बोल रहे कमजोर हो गए, सबसे ज्यादा लग रहा है अमन भाई को, वो फिल्टर विल्टर तो मस्त ऐड होता है यार यहाँ पे कराया हूँ मैं, नहीं बताऊंगा, ओ ये तो मस्त है, ये गोरा गोरा और क्या कर रहे हो रमजान में, कैसे आ रहा तुम्हारा दिन? बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा है, मैंने सोचा ऐसे तो नॉर्मल अपना बात नहीं हो पाता है तो सोचा यहाँ ही बात कर लेता हूँ, बहुत बिजी रहते हो तुम नहीं, नहीं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, ये बहुत बिजी रहते हैं भाई, इनको टाइम ही नहीं मिलता है बात करने का, नहीं बट मुझे आना था वहाँ पे, देखना था बट अभी लॉकडाउन हो गया तो क्या कुछ कर ही नहीं पा रहे, मैंने तुम्हारा वो भी देखा अपना ब्लड ब्लड तुमने वो किया ना, हाँ कल ही गया था मैं, यहाँ यारी रोड पे था, कमाल फीलिंग होगी ना देने के बाद, हाँ पर उसके बाद फिर थोड़ा सा हुआ था, सर वर पेन हो रहा था, हाँ तो वो क्या, इससे पहले भी ब्लड डोनेट किया था तो वो लोग जो नीडल रहता है वो थोड़ा नॉर्मल रहता है, कल वाला जो था ना मैं सब देखा जैसे पूरी नस पॉपअप हो गई थी, अरे बाप रे, मैंने 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 फोटो तो नहीं डाला बट मोस्टली देखो मैं भी दिया था, कुछ अजीब सा वो हो गया, फिर दिख रहा है तो वो एक क्रीम है, क्या नाम पता नहीं क्या सूज जाता है पता नहीं क्यों, मुझे तू लगा रहे हो जो क्रीम है वो क्या क्या नाम है वो रेड वाली का, उसने भी बोला था मुझे कोई तो एक क्रीम है, बराबर बोल रहे, बराबर बोल रहे, तुमको फोटो भेजता हूँ मैं, तुमको वो लगाओगे ना तो सही जाएगा,
बस मुझे तो मन किया तुम्हारे पास आओ, ऐसा आए बोलू। अब जब मैं ज्यादा टाइम नहीं, चालू तुम अपना बात करो तुम्हारे दोस्त। अरे करना है, जी चालू करना है सच्ची में मुझे। हाँ, मेरे को बॉडी तो वैसे बन रही है, बट अलग टाइप की बॉडी बन रही है। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आऊंगा। मालपुआ हलवा खाने का मन करे तो बताओ। अरे मत बोलो यार, कहाँ है सब बंदे नहीं मिल रहा है तुम्हारे पास, किधर बन रहा है तो बता दो। हलवा पराठा खाने का बहुत मन करता है। मैंने मैंने लास्ट ईयर भी तुमसे रमजान में बात की थी, तो मैंने सोचा ये साल भी बात कर ही लूंगा लास्ट ईयर लाइव। मालपुआ भी ज्यादा याद है याद है मुझे, लॉकडाउन और वो दूध भी था ना वो। के हाँ, तो वो लड़का तो मेरे कांटेक्ट में, मैंने ये टाइम भी किया उसके। चलो ठीक है, तुम जाओ और घर पे सलाम बोलो सबका। मेरा मेरा ओके ओके तुम भी भाई और घर पे अल्लाह सब दो में आता अल्लाह हूँ। हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। हाय एवरीवन, सब मिलेगा यहाँ। ये है अमान भाई, तो गोइंग लाइव विद अमान भाई, अमान फर्नीचर वाला। सो जो भी अंधेरी छतरी रहता है और आपको कोई भी चीज की जरूरत है तो आप अमान भाई से वो कोऑर्डिनेट कर सकते हो। क्या चीज के लिए, क्या चीज के लिए? एक्चुअली वो एक्चुअली मैं बिल्डिंग से बाहर निकला था कुछ लेने के लिए। तो आप लोगों को कुछ भी खाने का मन करे या कोई भी चीज की जरूरत रहे, मैं नहीं हॉस्पिटैलिटी से बेचता हूँ, खाने से लेके हर एक चीज, अमान भाई आपको सब चीज का अवेलेबिलिटी करा के मैं देगा। नहीं बेचता हूँ, कुछ भी नहीं बेचता हूँ मैं। आज क्या बात है लाइव? हाँ भी थोड़ा आया वैसे घर पे बैठे बैठे। मैंने रील डाल देखे, आप क्या बोले, रील रील देखे? अभी तो नहीं देखा मैं, अभी नमाज पढ़ के डायरेक्ट लाइव आ गया। मैंने वो डाला था, देखना, मैं अपलोड किया कल की मूवी एडिट करके। देखा देखा। और कुछ इफ्तारी में आपकी हो गई? आपकी इफ्तारी रेडी हो अभी गई? कौन सी इफ्तारी, रेडी बहुत हो गई? ज्यादा वीकनेस कर रहे हो लगता है, कल ब्लड डोनेट किए तो आज बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई, गाल वाल तुम्हारे अंदर चले गए, वही देखो, इतने दुबले हो गए। देखो बाप रे, पूरा कुर्ता लूज हो गया यार तुम्हारा तो। तो आपको तुम्हारी आवाज बहुत कटके आ रही है। आपकी इफ्तारी जो रेडी करते हैं रोज, वो भाई ने कर दी आपकी इफ्तारी रेडी? फ्रूट अभी लेके आया संधू, इफ्तारी ले ले लेने गया। फ्रूट काट लिए उन्होंने? नहीं काटता तो मैं हूँ, आज वो लाने गया था, आज मेरे को थोड़ा सा वीकनेस हो रहा था तो ओ मैं। अमन भाई लाइव इधर, वो चिकन बना रहा है, उसके लिए चिकन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो चलो चलो, वहां बोल ओके। हाँ नहीं। मिलो फिर। जितने भी लोग लाइव पे देख रहे हैं, मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मुंबई में हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप अपने घर पे रहें, और सच्ची में हालत बहुत खराब है। अपनी सेफ्टी अपने को खुद करना है, और जितने भी यंग लड़के हैं, यंग बच्चे हैं मेरी एज ग्रुप के, या मेरे से छोटे या मेरे से जो थोड़ा बड़े, जो जिनको भी कोई भी जरूरत से बाहर जाना पड़ रहा है कोई भी चीज से, तो आप प्लीज वापिस घर पे आओगे तो सबसे पहले हाथ पाथ सैनिटाइज करो, और अगर कहीं हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हो जहाँ पे कोविड पेशेंट की प्रोबेबिलिटी है, तो आप घर अगर आ रहे हो ना तो सबसे पहले एंटर करते साथ ही कपड़ा निकाल के सीधा धुले में डालो, और जो बड़े बुजुर्ग के और बच्चे हैं उन लोग से अवॉइड करो मिलना अगर बाहर से आ रहे हो, क्योंकि अपन जो यंगस्टर्स है जो हमारे एज ग्रुप के, उन लोग को तो, उन लोग की तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो उन लोग को कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली में से जिसको भी चाहते हो, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी बच्चे हैं, और सभी चाहते हो, और कोई भी खोना नहीं चाहते अपने लव वन को, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सेफ्टी से रहें, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे जो भी क्लोज वंस हैं, मेरे जो भी रिलेटिव हैं जिनकी भी डेथ हो रही है, उन लोग पे क्या बीत रही है, तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सोच भी नहीं सकते अपन इतनी तकलीफ हो रही है, तो आप भी प्लीज ख्याल रखो अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और
दुआ करो, आप जो भी रिलीजन के जो भी कास्ट के हो, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से, सब अपने दुआ करो, और दुआ करो कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी यहाँ से चली जाए, और जो भी लोग सफर कर रहे हैं इस चीज से, उन लोग को जल्दी से जल्दी उन लोग ठीक हो जाए। कुछ वीडियो ऐसे भी आ रहे सोशल मीडिया पर जिसको देख के आग भर जा रही है, तो ऐसे टाइम पे तो बहुत ही रेयरली लोग आ रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हेल्प कर रहे हैं उन लोग भी रिटर्न, अगर अपने घर पे जा रहे हो तो अपना ध्यान रखो, और अगर आपके नियर बाय कोई इंसान कोई अपने फैमिली मेम्बर को या अपने लव को खो रहा है तो आप उनसे पूछो कि कितना तकलीफ हो रही है। आखिरी वक्त के बाद तो उनका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हो रहा है, वैसी बॉडी को जो भी कास्ट के है, जैसे दफनाना हो या जलाना हो, जो भी कास्ट के है, जो भी करते हैं आगे, तो वो लास्ट मोमेंट पे अपना चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स अपने फैमिली मेम्बर्स का जो जिनकी भी डेथ हो रही है उनका चेहरा भी नहीं देख पा रहे। अपना ख्याल रखो, और कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जो जो चीज मिले, जो भी क्लोज वंस है, जो भी जिनको भी कोविड हो गया था, हो चुका है, जो लोग रिकवर हो गए हैं, तो उन लोग जो चीज फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज मैं बताना चाहूंगा। थोड़ी बहुत चीज है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है आप बाहर जा रहे हो, लग रहे हैं क्योंकि कोविड देखो, बहुत से लोग ऐसे भी है जिनको हो जा रहा है पर उनको खुद को मालूम नहीं पड़ रहा, और जिनको लग रहा है प्रोबेबिलिटी है, जिनको थोड़ा भी वीकनेस हो रहा है, थोड़ा भी ऐसे लग रहा है, तो उन लोग गर्म पानी पीते रहो, जब भी प्यास लगे ठंडा पानी रखते हो, गर्म पानी पीते रहो, जल्दी खाओ, हेल्दी चीज खाओ, जंक फूड अवॉइड करो, और बस फिट रहो। यही दुआ करूंगा कि आप लोग सब किसी कोई भी जिसको भी आप चाहते हो, आप कोई भी फैमिली मेम्बर है, आपकी कोई भी क्लोज फ्रेंड्स है जिनको आप किसी को भी ना हो, और जो भी सफर कर रही है ये बीमारी से, तो वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह अल्लाह करे ठीक हो जाए। मेरे भी बहुत क्लोज रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोग की डेथ हुई है, बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे टाइम पे जब डेथ भी हो गई और ऐसे टाइम पे जाने भी नहीं मिल रहे। लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे जो भी उनके बच्चे हैं जिसकी भी डेथ हो रही है, उनके अपने पेरेंट्स को एक बार भी चेहरा भी नहीं देख पा रहे, तो उनसे पूछो जिनकी फैमिली में बीत रही है, जिनको हो चुका है, तो ये अभी भी कुछ लोग लाइट ले रहे हैं, जिनको जिनके ऊपर बीती नहीं है लोग लाइट ले रहे हैं, जो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। अल्लाह ना करे ये किसको भी दुश्मन को भी नहीं हो, ये बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी हुई है और सच्ची में डेथ बहुत ज़्यादा हो गई है। वीडियोज़ वगैरह वायरल हो रही है जो हॉस्पिटल्स की, मुर्दा घर की, वो सब वीडियोज प्लीज़ वो सब वीडियोज वायरल मत करो, लोग बहुत गंदा बहन हो जा रहे हैं। नहीं कहते ठीक है, मैं एकदम ठीक अरे सपना गिल गई है लाइफ पे, कैसे हो? हेलो हेलो, कैसे हो? ठीक है हम, आप कैसे हो? मेरा दुआ है आप घर पे ही हो?
थैंक्स भाई ज्वाइन करने के लिए. रुको अभी रूम में जाते हैं. और बताइए आप, बताइए कहाँ से हो आप? हम लखनऊ से. हम भी लखनऊ से. कहाँ से? रायबरेली. रायबरेली जिला. अच्छा रोजा हो आप? यस रोजा है. आप रोजा हो? हाँ घर पे सबको बोलो, सबको ध्यान रखने बोलो अपना, और बाहर मत निकलो. हाँ बाहर नहीं निकलेंगे इस समय, कोरोना वायरस हो रहा है इसलिए. बहुत ज्यादा हालत खराब है घर पे, बाहर से हाथ धो लो, उन लोगों को बोलना पहले हाथ बहुत. हाँ ठीक है. ठीक है भाई, चलो दुआ में याद रखो. दुआ यार. अस्सलाम वालेकुम. आ रही है हमारी अम्मा. अदनान ब्रदर जॉन मी मेहर आलम गोइंगलारी विद मेहर आलम. यस अब जॉइन करता हूँ आप लोग को थोड़ा थोड़ा. बहुत दिन बाद आप लोग से बात करने का मन किया. मेरे फैन पेज अगर लाइव देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग भी मैसेज करें, आप लोग से पर्सनली से बात करना होता है. हाय भाई. हाय कैसे हो? कैसे हो? अलग मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया. राजस्थान. हाँ राजस्थान जोधपुर. राजस्थान जोधपुर. आपकी बात भी मैं समझ गया. हाँ आप कहाँ से भैया? अभी आप कहाँ पे? अच्छा सर आपकी आवाज कट गई. नेटवर्क स्लो है. नेटवर्क स्लो है. हाँ भैया. ओके ओके. ख्याल रखो अपना भाई, ख्याल रखो और बाहर घूमना अवॉइड करो. बहुत ज्यादा हालत खराब है. हाँ बहुत ज्यादा. जोधपुर में राजस्थान सबसे ज्यादा जयपुर जोधपुर में ही है. मुंबई में भी है भाई. मुंबई में भी है. हाँ हाँ महाराष्ट्र में. आप लोग दुआ करो भाई कि जल्दी से जल्दी सबसे दुआ दुआ ठीक है. दुआ करेंगे. ख्याल रखो अपना, सबको बहुत सारा प्यार बोलना, सबको अपने भाई लोग को, अपने सब पूरी फैमिली में सबको. टिंगू ऑन माय लाइफ प्रकृति मिश्रा. हेलो टिंगू. टिंगू बी सेफ. यस टिंगू. हाय हाय कैसे हो? एक साथ मैं बहुत अच्छी हूँ. तो कैसा है? नेट बहुत स्लो चल रहा है तुम्हारा. तो स्लो नहीं है तुम्हारा नेट. तुम्हारा साबुन स्लो है. वेरी पुअर नेट. वेरी पुअर नेट. नो माय नेट इज वेरी नाइस. हाउ आर यू? आई एम बेटर देन यू. हाउ आर यू? अरे अभी तुम्हारा चेहरा रुक रहा ही नहीं है ऐसे. ऐसे हो रहा है. बहुत अरे हंस रहे. कहाँ पे हो? शूट कर रही थी कुछ, मतलब बॉम्बे में ही कुछ रिकॉर्ड कर रही थी. ओ क्या बात है, सिंगर मल्टी टैलेंटेड. अच्छा अभी तो नहीं मिल सकते. कैसा चल रहा है सब? घर पे कैसे है? सब ठीक है पर यार बहुत हालत खराब है. अभी देखते हैं कब तक ये सही होएगा. हाँ सब हो जाएगा सही. आई थिंक जाएगा. लोग कोऑपरेट करेंगे तो मेन यंगस्टर जो बाहर निकल रहे हैं उन लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि yes. जो अपने एज के उन लोगों को तो उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है. इफेक्ट कर रहा है जो बड़े बुजुर्ग है उन लोगों को. तो यंगस्टर्स को ज्यादा हो रहा है. आई थिंक वी ऑल शुड बी वेरी वेरी केयरफुल राइट नाउ.
और जितना हो सके बाहर जो भी जा रहा है कोई भी चीज के लिए जा रहा है उन लोगों को घर पे आके सबसे पहली बात सैनिटाइज करना चाहिए और बच्चे लोग से दूर रहना चाहिए, बड़े बुजुर्ग नहाना चाहिए। सब सही आएगा तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द। बहुत बेकार नेट चल रहा है प्रकृति, बहुत बेकार नेट चल रहा है। और एक बार ज्वाइन कर तुम कुछ, तुम्हारा एक सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। चल चल काट के कंप्लीट हो ही रहा है। ओके ओके चलो ठीक है। मिलते हैं फिर बहुत जल्द। वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपसे बात करनी है। व्हाट्स अप ब्रो? फिरोज भाई कैसे हो? आई एम जफर अफशा क्वीन, बिग फैन फ्रॉम बांग्लादेश। आई एम नोपु, प्रियंका 007। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? हाउ आर यू? वेरी गुड मेरी जान, गुड टू सी यू, आर लुकिंग सो हैंडसम। और छोटा होते जा रहा है मेरा भाई। और कैसे हो? वेरी गुड। कल रात में बात करने वाला था मैं, मम्मा ने रात में सुबह आपको फोन किया था ना। हाँ। और बाकी से जिंदगी, रोजा कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपका जा रहा है। यही से इबादत, यही से सब कुछ, पूरी लाइफ स्टॉक हो गई है सब वापस से। बस खुदा रहम करे भाई, मेरे चार पांच छह प्रोजेक्ट ऐसे बंद पड़े हैं। कुछ लोगों के तो एडवांस भी मैं ले चुका हूँ, उनके फोन आ रहे हैं। हाँ बस जल्दी दुआ करो सब खत्म हो, काम स्टार्ट हो, काम भी स्टार्ट हो। और जो लोग अभी भी बीमार चल रहे हैं अल्लाह करे कि उन लोग को भी शिफा अता है, तो भी क्योंकि जो भी फैमिली अपने लव वन खो रहे हैं उन लोग की बहुत, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। चेहरा भी देखना ही नसीब हो रहा है लास्ट टाइम। सब कब सही होएगा सर? इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। और जाएगा तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी सब ठीक। बाकी का आपने 07 की पूरी टीम कहाँ है? सब अपने अपने घर पे, सद्दू और मैं साथ में रहते हैं ना। सद्दू है अच्छा, टूट से क्या अभी काट रहे। दुबई जाना है कोई प्रोग्राम? अभी जाना तो था, अभी छोटे वाले को लेके जाऊंगा, दो तीन गाने उसके एक साथ उड़ाना है मेरे को अभी लेके आगे। फुल रैपर अभी जो ये करंट सिचुएशन चालू है उसके ऊपर भी उसने, मैं गया था थोड़े दिन पहले तो मैं बैठ के थोड़ा लिखा हूँ। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे उसका भी चालू हो जाएगा ना तो बेस्ट हो जाएगा। नहीं अभी रेगुलर करने का वो होगी जीत ना, वो उसके लिए लिखा था आज के टाइम पे, उसके भी लोग डिमोटिवेट हो गए उन लोग के लिए था। फिर से वो सड़कों पे खुलेगी दुकान, फिर से जब निकलेंगे घर से करने काम, फिर से लगेगी तब वो मंडी और बाजार, फिर से वो ईद और दिवाली में जो प्यार। मेरे ख्याल से तू भी गाएगा बीच बीच में तो रैपिंग, क्योंकि मैंने देखा लास्ट वाला रैप। हाँ मतलब तू भी एकदम फ्लो में कर रहा है, वेरी गुड यार। मतलब आई एम शॉक के अदनान इसको खाली सीख रहा है या खुद भी रैपिंग कर रहा, तो रैपिंग तुम्हारा भी तो बहुत अच्छा है। नहीं मैं उसको एक भाई के साथ तुम भी करो ना आधा, ट्राई करता हूँ मैं, देखो ट्राई करता हूँ, बहुत जल्द ट्राई करता हूँ। इससे पहले भी जब भी गाना रिकॉर्ड करने आता मैं तो कभी ट्राई नहीं किया, मगर मैं जब भी रिकॉर्ड करना रहता तो मैं साथ में जाता हूँ, कहाँ पे कैसा एग्रेशन चाहिए, कहाँ पे नॉर्मल चाहिए, फ्लक्चुएशन जो रहता है टोन का, लिरिक्स के अकॉर्डिंग, बीट के अकॉर्डिंग, तो सब मैं आगे खड़े रह के मैं साथ में कराता हूँ। पर मेरे को चाहिए कि एक रैपिंग तेरा भी आया, क्योंकि उस दिन मैं देखा तो बहुत लंबा रैप था, और उसको याद करना
और फिर ये कि फ्लो में इतना स्पीड में बोलना, मेरे को ऑलमोस्ट किसी की बस की बात नहीं, वो ऑलमोस्ट का टैलेंट सब याद है उसके, सब गाने याद है। एंड दूसरी चीज ये कि ये कि तू डांस वीडियो भी बहुत अच्छा कर रहा है, श्वेता करके लड़की है आई थिंक सो योर फ्रेंड, शी इज अ वेरी गुड डांसर। हां, और उसके साथ में आप कर रहे हो तो मतलब फुल टक्कर में। नहीं वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई। हां, शी इज अ नेक्स्ट लेवल, बट यू डूइंग विद हर इज अमेजिंग, आई लव इट। मैं देखा तो मैं बोला यार अदनान कर रहा है वेरी गुड यार, इससे क्या स्टाइल इंप्रूव होगा क्या? नॉर्मल चीजें तो आप डायलॉग्स वगैरह कर रहे हो, वॉक भी अच्छा स्टाइलिश है, पर डांस को भी इम्प्रूव कर रहे हो ना अभी सब इम्प्रूव करने का। दो साल में चेंजेस लग रहे कि नहीं आपको कुछ? हाँ हाँ बहुत, पिछले टाइम से अभी टाइम पे तो अमेजिंग। नहीं नहीं करेंगे कुछ, कुछ चल रहा है दिमाग में, एक रिमिक्स गाना है। हाँ तो तेरा वीडियो श्वेता के साथ में तीन चार वीडियो देखा, कल भी देख रहा था मैं, तो कुछ दिमाग में चल रहा था मेरे, तो बोला चल लेट्स सी अगर अच्छा वाला कुछ ऐसा बनता है, और टी के साथ ही बात चल रही है, देखते मैं चाहूंगा कि हो जाए वो। Thank you so much. ठीक है, अदनान तो मेरी नजर में मतलब forever है, बाकी तो इंशाल्लाह। Thank you. आ, बाकी लोग है सब सलाम दुआ वाले, बट अदनान फ्रॉम हियर ऑलवेज। थैंक यू। चलो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सबको, रमजान मुबारक दोस्तों, अपना ध्यान रखो, कीप डिस्टेंस है ना, मास्क लगाओ बस, और बाकी खांसी सर्दी हो तो फिर उसकी दवा करो, ज्यादा एडमिट मत होना कहीं जाके, क्योंकि किडनी भी निकाल रहे लोग। ये भी मैंने भी दो चार वीडियो देखा यार, आई एम शॉक्ड कि उसकी किडनी निकाल के लेके जा रहे भाई। कोविड के नाम पे आप बोल रहे हो कोविड है, फेस से निकालने दे रहे हो तो पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हो? कोविड है तो छोड़ो ना, वैसी पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है? क्या हो रहा है देश में क्या मालूम, अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह रहम करे, क्या होगा आने वाले टाइम। पूरा का पूरा लॉकडाउन कर दिया, मतलब बाहर भी राजस्थान वगैरह भी लॉकडाउन कर दिया, ऐसा नहीं कि खाली बॉम्बे में। यहाँ पे तो चाहिए भाई, यहाँ पे तो जो सबसे केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, बट ऑब्वियस यहाँ पे जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज है, यहाँ पे जरूरत है करने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, जो एरिया में रह रहे, तो यहाँ पे करने में टाइम नहीं लगेगा। मगर इसके नाम पे जो लोग आज के टाइम पे काला बाजारी कर रहे, ब्लैक में बेच रहे, ये सब लोग that's very bad, that's very bad. क्या दिखाएंगे, क्या मालूम ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रेट क्या है और क्या रेट में बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग सब ब्लैक में, लोग को ये पैसा कवर में लगेंगे कि कहाँ लगेंगे, अल्लाह बेहतर जाने। और सब बड़े लोग का यही है यार, अभी इतने महीने से चल रहा, लास्ट एक साल भी पूरा ऐसे ही चला गया कि गरीब लोग पैसे भी नहीं कमा पाए, जो मिडिल क्लास फैमिली ना पैसा आ पाया, जो उनका बैंक बैलेंस था वो भी चला गया, और ऊपर से ऐसी सारी हरकतें हो रही है जिससे जो थोड़ा बहुत बचा हुआ, तो परेशानियां तो बहुत चल रही, बस ऊपर वाले के पहले 15 आने वाले थे वो भी नहीं आए, वो तो कब से आए आने वाले थे, 15 लाख भी नहीं आए, उसके बाद में ये सब भी हो रहा है, और जो डेली कमा के डेली खाने वाले लोग तो क्या करेंगे, फिर भूखे मर जाएंगे उन लोग तो। अरे रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, इन लोग भी सब बहुत परेशान है भाई, कुछ कुछ है, कुछ जानने वाले, कुछ मेरे पुराने बचपन के दोस्त है, जो वो सब काफी परेशानी में, बहुत बहुत। आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग अच्छे अच्छे बैल से डरते आज 4 से 3 साल पहले, उन लोग सब सामने से, सब बोलने वाली बात नहीं मगर इतनी कंडीशन खराब हो गई है कि बोलना पड़ रहा है मेरे को लाइफ पे, कि जो अच्छे से अच्छी लाइफ जी रहे थे वो 3 साल पहले, वो आज ना जकात के पैसे तक का लेने के लिए रहती, ऐसी हालत हो गई है लोगों। बहुत 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 खुदा खैर करे भाई हर किसी पे। तो आप लोग की लाइफ देख रहे हो, आप लोग के नियर बाय जो भी लोग रहेंगे, आपको लगता है कि आप केपेबल हो, सुपर भाई गुड न्यूज, और सबको तुमने जो ये मैसेज छोड़ा है सब इस पे ध्यान दो, और अदनान भाई को और प्यार दो और फॉलो करो, 10 से 20 मिलियन कराओ फटाफट। हाँ कोई लाड़ प्यार नहीं, दोस्ती दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी, जगह से हिलो मत, बाकी किसी से मिलो मत, बिकॉज़ ऑफ कोरोना इज गोइंग ऑन गाइस। चलो अदनान मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, टेक केयर मेरी जान, गॉड ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू, यस ब्रदर।
करण सिंह छाबड़ा मेरे दोनों भाई एक साथ इस आमिर 72 इस साहिल इस रिजवान विलासपुर जीरो सेवन वाला कौन है लाइफ पे भाई जीरो सेवन वाला कोई भी नहीं है लाइफ पे जीरो सेवन का कोई लाइफ पे है ही नहीं सो वंस अगेन जितने लोग लाइफ पे हैं मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि प्लीज घर से बाहर जाने के और आपके घर के नियर बाय जो भी जरूरतमंद है आप जैसे भी अगर हेल्प कर सकते हो किसी भी तरीके से बिना कास्ट बिना रिलीजन देके आप हेल्प करो जरूरतमंदों की हेल्प करो और अल्लाह आपकी हेल्प करेगा ख्याल रखो जो आपके नियर बाय किसी की अगर अल्लाह ना करे जाए तो मगर अगर वो नहीं है तो उसके रिलेटिव या उसके परिवार वाले के जाके देखो कि क्या भी जरूरत है तो वो सब देख के आप लोग भी प्रिकॉशन लो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना तकलीफ होगी आप अगर अपने लव्ड वन को खोओगे तो उन नौबत ही नहीं आने दो ये सब में सबको एक साथ लड़ना है हम लोग को तो अपना ख्याल रखो अपने फैमिली का ख्याल रखो अपने मम्मी डैडी भाई बहन जो भी घर में है रिलेटिव सबका ख्याल रखो अल्लाह Can't listen to Adnan. Hang हो गया. Hang हो गया. Come on, let's go live with someone. Shoaib K31 Pooja हूँ. ये प्लाज्मा क्या है कोई बताएगा? मुस्तफा विश्वास. ये प्लाज्मा वो चीज है जिसको एक बार कोविड हो गया है और तो उसके ब्लड में जो प्लाज्मा रहता है वो कुछ महीनों तक रहता है तो वो अगर कोई कोविड पेशेंट को अपना प्लाज्मा देता है तो वो जल्दी रिकवर होने में उसकी हेल्प करता है और बहुत सारे लोग मुझे लाइव पे हुए कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं डीएम में पूछ रहे हैं कि आपको आप ही प्लाज्मा दिए हो आपको भी कोविड हुआ था क्या फिर आपको तो बताना चाहूंगा कि मैं प्लाज्मा नहीं डोनेट किया हूँ मैंने ब्लड डोनेट किया है ऐड करो बदनाम भाई एक शेक को चलो ठीक है एक शेक आई मैन यू रमजान से नहीं रोजे से नहीं भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हो हाँ भाई बस और एजर हेलो हाँ बोलो सुन रहा हूँ कैसे हो अच्छा हूँ भाई आप कैसे हो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तुम बाहर घूम रहे हो यार नहीं भाई इधर बाहर हूँ काम पे हूँ अच्छा काम पे हो कहाँ से हो भाई शुक्रिया भाई ऐड करने के लिए शुक्रिया हैदराबाद से हूँ भाई मैं हाँ मैं जो जो सिटीज घूमा पकड़ लेता हूँ लोगों बात करते ना कहाँ बोर्ड की बोलते ना मैं पकड़ की कहाँ से हाँ भाई आप देखा आप अभी राजस्थान बोले इनको उन्होंने नहीं बता नहीं सकते हाँ ओल्ड सिटी न्यू सिटी चार मीनार के पास कैसे हो भाई आप हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह भाई ख्याल रखो और घर पे सबका ख्याल रखो भाई एक स्क्रीन शॉट ले लूं क्या हाँ लो ना भाई शुक्रिया भाई बहुत बहुत शुक्रिया सलाम बहुत सारा प्यार बोलना और अपना ख्याल रखो ठीक है भाई आप भी रखो भाई आपका ख्याल ठीक है
ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। वंस अगेन, अभी मैं थोड़े टाइम में लाइव एंड करना है, तो लाइव एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही रेयरली होंगे जो भी आज के टाइम पे तुम्हारी हेल्प करेंगे, और ये टाइम पे जो आपकी हेल्प करेगा तो वैसे तो कभी मत भूलना। शादान दरिया एक मिनट, अरे लुबार एक मिनट नफे लो, शादान फ्रूट्स लेके आया है, अभी बहुत थक गया है, अभी फ्रूट्स आज वही खा लेगा, कल मैंने खाना था। शादान जल्दी आ, रोमान हुसैन सरूप शेख हाय, ये हमारे रोजेदार आवाज ही नहीं निकल रही है, देख रहे हो ये क्या तरीका है करना आवाज निकालने की तो बहुत सारे लोग अभी मैसेज कर रहे हैं, सिद्धू का सिद्धू का, तो सिद्धू यहाँ है, सिद्धू भाई किचन में काम कर रहे हैं भाई साहब, लाइव आए देख लो। मोहिनी शर्मा मैं चिकन बनाऊ, मैं फ्रूट्स खा कर मैं सब कर रहा हूँ चिकन, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा इस साल, अभी थोड़ा रुक के खाऊंगा बच्चे लग रहे हो एकदम। मोहिनी मोहिनी शर्मा सही में जूड़ा वाला दाल आ गया, अरे मैंने रात में इसको कमेंट किया था इसको कि गब्बर सेठ लंबी बन गया, गब्बर सेठ बड़े बड़े बाल थे, गब्बर सेठ लंबी बन गया छोटा सा। थैंक यू फिरोज भाई, थैंक यू, चलते हैं मशीन लोग, मैं स्मार्ट हो गया ना, अभी देखो ये इससे 5 साल बड़ा दिखता है और मैं इससे 5 साल और छोटा दिखने लगा, तो बोलेंगे बड़ा होने के बाद भी देखो यंग दिखता हूँ, ये जल्दी उठ जाएगा। छोटा नहीं दिखेगा, छोटा नहीं दिखेगा, मतलब बियर्ड और बाल सब सेट कर लो वाला तो इससे छोटा दिखेगा, हो ही नहीं सकता, ये अभी अंकल हो गया, चौकन हो गया, ऐसे खड़े रहते ना फिर पहाड़ हो गया, इतना बड़ा हो गया, ये सब बढ़ गया है, पूरा बढ़ गया एकदम अदरक के तरह। सो अभी टाइम हो गया इफ्तारी का, एक बार वापस से हम सब बोलना चाहेंगे आप लोग को, दिखाऊंगा शुभम, थैंक यू, लाइव एंड करने जा रहा हूँ, सब लाइव देख रहे होंगे, कोई किचन में नहीं होगा आज, सबकी मम्मी चिल्ला रही होगी बेटा किचन में आओ, सब लाइव देख रहे हैं। चलो मैं भी लाइव एंड करने आ रहा हूँ, तो सबको आपको बोल रहा हूँ, सही बता रहा है, किसके किसके घर में किचन से आवाज आ रही है बेटा ये करना है बेटा वो करना है, अपना ख्याल रखो, उनको लाइव देख रहे और बहुत सारा प्यार सबको, अपना ख्याल रखो, बाहर जाना अवॉइड करो, और जो जो चीज मैं बोला हूँ प्रिकॉशन लेने के लिए तो वो चीजों पे ध्यान रखना, और बहुत सारा प्यार दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल।